हे गाइस, देखो पूरी बाजी पलटने वाली है। जिस बात का डर था अब वो डर खत्म होते हुए नजर आ रहा है। सर देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। सर देखिए, जिस तरीके से सर बोला गया 400 पार 400 पार, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था सर। लेकिन कंपटीशन फेस करने के बाद ऐसा लगने लगा मार्केट को कि भाई कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि भाई जो नंबर बताए गए हैं 400 और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है भाई 200, भाई ये तो आधा है, 290, ये क्या है? मतलब ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब जो हमारा टारगेट था उससे कई गुना नीचे है। लेकिन सर फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि कल के डेट में भयंकर आपको तेजी देखने को मिल सकता है सर, मतलब देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और जितने लोगों ने मतलब आज के डेट में मतलब बाय वन डीप नहीं किया होगा उनको तकलीफ हो जाएगी, या फिर जितने लोगों ने बेच दिया होगा, सर मैं आपको बोलूँगा ये बेचने वाला सिस्टम बहुत ख़राब होता है। अगर आप बिजनेस को समझ रहे हो और थोड़ा बहुत टेंशन है मार्केट में, तो मैं आपको बोलूँगा उसको थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी लोग खरीद देते बेच देते, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्सपोर्ट का ध्यान है कि गिरते बाजार में भी वो आपको मालामाल कर सकते हैं? सर गिरते बाजार में भी ध्यान रखना है ऐसे चीज़ों पे जो एक्सपर्ट का मानना है सर यहाँ पर। हालांकि कल के डेट में मुझे लगता है कि लगभग जो है मुझे लगता है 12 o'clock के आजू बाजू मार्केट का बाजी पलटता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो न्यूज़ आ चुकी है सर, नारायण मोदी ठीक है ऑन ट्रैक आपको बताया जा रहा है। तो अब इसके वजह से होगा क्या कि भाई ये जो खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है दो घंटे पहले या कुछ मिनट पहले 11 minutes पहले, तो इसका इम्पैक्ट अब आपको कल के डेट में मार्केट में आपको दोबारा देखने को मिल सकता है सर। मतलब पूरी तरीके से बाजी पलट सकती है। यहाँ देख लीजिए, कुछ एक्सपर्ट का मानना है टॉप स्टॉक्स पिक है भाई उनका है, जो कि 18 से 34% तक का आपको रिटर्न निकाल के दे सकते हैं गिरते बाजार में भी। ये आप लोगों को अच्छा खासा निकाल के रिटर्न दे सकते हैं। ACC बताया जा रहा ठीक है, BPCL बताया जा रहा, GMR इंफ्रा आपको बताया जा रहा। देखिए 18% से 34% सर कोई छोटा मोटा नहीं होता है रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न होता है सर ये सारे जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। सही है, GMR जो आपको देखने को मिला एयरपोर्ट, उसके साथ साथ आप चाहेंगे तो देख सकते हो सर ACC के बाद आपको और नीचे कंटिन्यू देखना है तो कंटिन्यू देख सकते हो। BPCL आपको देखने को मिला, BPCL के साथ साथ और भी नीचे, तो ये सारे वो स्टॉक हैं जो लगभग सर बेचना नहीं चाहिए। मार्केट का मानना है कि भाई ऊपर है माल तो आपको बेच देना है अच्छे खासे क्वांटिटी में है तो, और नीचे फिर जब चीज़ें जाए तो आपको दोबारा खरीद लेना है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। अब वापस आपको मार्केट में धमाका भी आपको देखने को मिल सकता है सर, क्योंकि जिस कदर जो है PSU स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं 20-25% गिरते हुए नजर आए, अब सर इनको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ दिनों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जितने भी ये गिरे हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट है RVNL, REC ठीक है, PFC, तो ये तीन यहाँ पर भी हो जाएंगे। हालांकि और भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जितने गिरे हैं सर 20-25%। आप देखो भले ही सर मेजोरिटी नहीं आया लेकिन सर सरकार फिर भी BJP की ही है, कहने का मतलब है। अब इससे होगा क्या कि सर लोगों बोलेंगे कि भाई मुझे मेजोरिटी से क्या मतलब है। अब जैसे RVNL क्या बोलेगा, मुझे मेजोरिटी से क्या मतलब है कि भाई BJP बन गया ना, 5 साल तो आराम से बिजनेस करना ही करना है, टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाएगा सर। तो कल के डेट में मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है सर, अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वो तीन स्टॉक जो ऊपर मैं आपको बताया गया वो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, जब उतना भाग जाएगा तो आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये सर तो अभी 5 साल आप समझ लीजिए कि और पकड़ के बैठे रहिए, फिर तो एक्सपर्ट का मानना है। अमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिला सर, लोगों ने खरीदने के लिए दे दिया, देख लीजिए 54% तक आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है सर, देख लीजिए अच्छा खासा है, 54% बहुत अच्छा है सर ठीक है। एक बटास आपको देखने को मिला स्मॉल फाइनेंस, तो भाई ये भी 37% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है सर। सियाराम SGS टेक्नोलॉजी देख सकते हो, ये भी लगभग आपको 34% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि सर इस गिरे हुए मार्केट ने एक ही चीज़ दिया है सर, वो है अपॉर्चुनिटी। इससे साफ साफ साबित हो जाता है कि सर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होता, शॉर्ट टर्म में दिक्कत होता हुआ नजर आ ही जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है, जैसे कि अदानी पोर्ट है, अदानी इंटरप्राइज है, ONGC है, NTPC है, SBI है, कोल इंडिया कल देखिएगा SBI में, मतलब आने वाले मुझे लगता है कि 1 week के अंदर सर SBI में एक काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है सर। और अदानी पोर्ट में भी सर, अदानी पोर्ट मतलब समझने वाली बात है भाई, बहुत तगड़ा बिजनेस है मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा खासा जो है रैली आपको देखने को मिल सकता है सर, ऐसा रहेगा। जहाँ तक की बात करते हैं अमेरिका का डाउज हो, तो भाई जो ओपन होता है वो मार्केट आया है ये ऊपर की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अब बीजेपी भी पावर में आ चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है, उसके साथ साथ मेजोरिटी नहीं आया, लेकिन हाँ अमेरिकन मार्केट भी जो भी है नॉर्मल परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका के अंदर सर इलेक्शन देखने को मिलेगा, हमारा इलेक्शन तो हो गया, अमेरिका के अंदर भी सर इलेक्शन जो है मैं आपको बोलूँगा मार्केट के अंदर 4 चांद लगा सकता है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट में कभी भी अगर बहुत बड़ी तेजी आई सडन, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सर तैयार रहिएगा सडन, क्योंकि सर सडन जो तेजी आई है ना सर वो खबरों के दम पे आई है, ना कि कंपनी के प्रॉफिट के दम पे आई है सर। प्रॉफिट होता तो अलग बात था, लेकिन सर क्या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ, केवल खबरों के दम पे देखने को मिला। तो इसलिए मुझे लगता है तैयार रहना चाहिए कभी भी सर।